रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ब्रॉडली लव, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पर अपनी थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे लव और क्रिएटिविटी के थ्योरी पर आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी 1985 में प्रपोज की थी। उन्होंने इंटेलिजेंस को कुछ इस तरह परिभाषित किया, इंटेलिजेंस एक तरह की मेंटल एक्टिविटी है जिसका पर्पस है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को इस तरह से सेलेक्ट करें और शेप करें कि वो व्यक्ति की लाइफ को इम्प्रूव कर पाए। स्टर्नबर्ग ने यह भी कहा कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होती है, बल्कि इसे डेवलप किया जा सकता है टाइम के साथ। स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी को 3 सब थ्योरीज में डिवाइड किया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अनुसार 3 टाइप की एबिलिटीज एक साथ काम करके इंटेलिजेंट बिहेवियर क्रिएट करती हैं हर इंडिविजुअल में। ये 3 सब थ्योरीज हैं, नंबर 1 कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, नंबर 2 एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, नंबर 3 कंपोनेंशियल सब थ्योरी। हर एक सब थ्योरी एक तरह की इंटेलिजेंस को हाईलाइट करती है। चलिए एक एक करके इन सब थ्योरीज को समझते हैं। नंबर 1 कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसके अनुसार इंटेलिजेंस इस बात पर आधारित है कि कोई व्यक्ति अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे काम करता है, कैसे एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करता है, कैसे बेस्ट एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करता है अपनी वेलबींग और ग्रोथ के लिए, और क्या वह अपने एनवायरनमेंट को शेप भी करता है खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नंबर 2 इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी कहती है कि हमारी डेली की दिनचर्या में रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बिल्कुल नए तो कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस। इन दोनों सिचुएशन पर इंटेलिजेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। जिन एक्सपीरियंसेस से हम फैमिलियराइज्ड हैं, उन टास्क को हम बहुत आसानी से कम एफर्ट से ऑटोमेट कर पाते हैं, और जो एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नोवल हैं, वहाँ पर हमें नए आइडियाज़ के बारे में सोचना पड़ता है। नंबर 3 कंपोनेंशियल सब थ्योरी, जिसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यह सब थ्योरी उन मैकेनिज्म्स और कंपोनेंट्स के बारे में बताती है जिनके होने के परिणाम स्वरूप इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेट होती है। इस सब थ्योरी के अनुसार 3 टाइप की मेंटल प्रोसेसेस और कंपोनेंट्स होते हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, जैसा कि नाम से ऑब्वियस है, यह हमें हेल्प करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में। मेटा कंपोनेंट्स, ये हमें हेल्प करते हैं मॉनिटर, कंट्रोल और इवेल्युएट करने में, ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, प्लान बना सकें और डिसीजंस ले सकें। एंड फाइनली परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स हमें हेल्प करते हैं एक्शन लेने में उन प्लान और डिसीजंस के ऊपर जिन पर हम मेटा कंपोनेंट्स की हेल्प से पहुंचते हैं। स्टर्नबर्ग ने यह भी ऑब्जर्व किया कि तीनों तरह की इंटेलिजेंस, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस प्लस क्रिएटिव इंटेलिजेंस प्लस एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इन तीनों ही इंटेलिजेंस का होना जरूरी है सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। उन्होंने इसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कहा। फ्रेंड्स, होप यू लाइक द कंटेंट। अपना फीडबैक जरूर दें। फिर मिलते हैं।